अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज हम एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आप दोस्तों की जिंदगियां बदलने वाली है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि काश ये प्रोडक्ट हमारे जिंदगियों में पहले इन्वेंट हो जाती। प्रोडक्ट का नाम है जी चैट जीपीटी, और बेसिकली ये प्रोडक्ट है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि गूगल के मुकाबले में लॉन्च की गई है। ये गूगल से कितने डिफरेंट, बकायदा मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके दिखाऊंगा कि ये गूगल के मुकाबले में कैसे वर्क कर सकती है, ये गूगल से कितनी बेटर है। आज की वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा ये प्रोडक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो कि लेस क्रिएटिव है, जो परेशान रहते हैं जी प्रेजेंटेशन के हवाले से, असाइनमेंट्स के हवाले से, डिसर्टेशन के हवाले से। उसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर फाइवर पे काम करते हैं तो ये आप दोस्तों की जिंदगियां बदलने वाली है। चलें जी अभी चलते हैं जी लैपटॉप के स्क्रीन पर, आपको दिखाता हूं कि चैट जीपीटी काम कैसे करती है, इसको आप साइन अप कैसे कर सकते हैं और ये गूगल के मुकाबले में कितनी डिफरेंट है। चलें जी हम आ चुके हैं जी लैपटॉप के स्क्रीन पर, और यहाँ पे हम ऊपर टाइप करेंगे जी chat.openai.com और हम एंटर करेंगे तो स्ट्रेट अवे हम आ जाएंगे चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, लॉग इन कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो लॉग इन करें, अदरवाइज आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी आप दो तरीकों से आप अपना जो लॉग इन है वो कर सकते हैं। पहला है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करें और देन कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और देन उसके बाद आप लॉग इन कर लें। देन नीचे सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आपके पास ऑलरेडी जो गूगल में अकाउंट आपका जीमेल आईडी होती है, आप उसके थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ, तो चलें जी मैं लॉग इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। लॉग इन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे चैट जीपीटी काम कैसे करता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि आप गूगल पे जैसे नॉर्मली काम करते थे, गूगल पे आप कैसे सर्च करते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कि व्हाट इज कैमरा, और जब यहाँ पे आप सर्च करते थे तो आपको नीचे कुछ वेबसाइट्स मिल जाती थी। आप उन वेबसाइट्स को पहले आप चेक करते थे और जो आपको मटेरियल अच्छा लगता था उसके बाद आप उसमें से वो डाटा कॉपी कर लेते थे व्हाट्सएवर। तो ये तरीका था गूगल का। अगर लेट्स सपोज यही चीज मैं सर्च करता हूँ चैट जीपीटी में, तो ये हमें किस तरह का इन्फॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे एक बार बनी हुई है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज कैमरा और एंटर करता हूँ, तो ये देखे कि आपको स्ट्रेट अवे वो आपको कैमरा की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन है वो देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपको वो बकायदा एक स्ट्रेट अवे डेफिनेशन देगी, आपको कोई वेबसाइट्स वगैरह नहीं देंगे जिसमें से आपको डाटा वगैरह ढूंढना पड़ेगा व्हाट्सएवर। तो ये देख सकते हैं कि उसने डेफिनेशन दी है कि कैमरा इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कैप्चर एंड रिकॉर्ड इमेजेस और वीडियो, इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ लेंस। फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं कि ये पैराग्राफ और बेहतर होना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे नीचे क्लिक करें रीजनरेट रेस्पॉन्स, वो उसी पैराग्राफ आपको थोड़ी चेंजेस करके आपके सामने ला देगा। ये देख सकते हैं कि आप उसने उसी पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करके आपके सामने वो दोबारा से आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, आप कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से ये आपको कैसे गाइड करेगा। एंटर करते हैं जी और देखते हैं कि आपके सामने वो क्या देता है। थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सोचते हैं कि क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, उसके बाद वो उस हवाले से रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि क्रिएटिंग अ वेबसाइट कैन बी फन एंड रिवार्डिंग एक्सपीरियंस एंड देयर आर मेनी वेज टू डू इट। यहाँ पे वो आपको स्टेप्स बता रहा है कि पहले आपने क्या करना है और सेकेंड आपने क्या करना है। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, और अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर फाइवर पे काम करते हैं, वहां पे काफी ऐसी जॉब होती हैं, आर्टिकल्स आपने लिखने होते हैं, कंटेंट राइटिंग की ऑप्शंस होती हैं। सिंपल आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, कोई टॉपिक लेके आता है, उसको टॉपिक को आप कॉपी करें और यहाँ पे आप नीचे पेस्ट करेंगे तो उसका जो एसे वगैरह होगा वो स्टेट वे आपको लिख के दे देगा जी। बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि चैट जीपीटी वर्क कैसे करती है। आई होप के आज की वीडियो देखने के बाद उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जो असाइनमेंट प्रेजेंटेशन या डिसर्टेशन के हवाले से थोड़े परेशान थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन अपनी राय का जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखे और मुझे दो में याद रखेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।